अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेरयार शेख और मेरे साथ मौजूद है उनसा क्या नहीं। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में जो लाहौर में होने वाला वाकया पेश आया और एक खातून को उसके शोहर के जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो क्या इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी हवा की बेटी गैर महफूज है? जी शेरयार, ये जो आपने बात की इसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में ये आता है। तो ऐसा होता क्यों है? यहाँ पे मौजूद जाके हम लोगों से जानेंगे, वो जो ख्वातीन जो इसको रिपोर्ट नहीं करती, अगर उन पर इस तरह का तशद्दुद किया जाता है तो फिर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो आइए यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम सलमान अहमद जी। सलमान साहब, मेरा आपसे जो सवाल है कि जो गुज़िश्ता दिनों में लाहौर में होने वाला वाकया पेश आया है, जो कि एक औरत, आसमा नामी औरत, अपने शोहर की जानब से तशद्दुद का निशाना बनी है और इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी औरतों को ये सब चीज़ें जो हमारी ख़वातीन हैं उनको ये बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, उनको ये देखने को मिलती हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करूंगा और मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इसका नोटिस लिया जाए और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल्स हैं उन्हें कैफरे किरदार पे पहुंचाया जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो औरत है वो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है और उन्हें हर जगह पे सपोर्ट करना चाहिए, हर जगह पे उन्हें एक स्टेप आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक मतलब वंस अगेन मैं इसकी जितनी भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूं, इसकी मजम्मत करूं, वो बहुत कम होगी। मतलब अगर आप एक औरत को सिर्फ इस बेस पे उसके बाल काट रहे हैं कि आप डांस करो और वो डांस नहीं कर रही, तो दिस इज़ रियली रिडिकुलस। तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब उस्मान बुज़ार साहब दोबारा एक बार मैं डायरेक्टली खुद रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, मैं खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ किसी काम से आया था और मैंने आज ही कल रात को मैंने जब इसको देखा तो मतलब आई वाज टोटली स्पीचलेस। सो मैं मतलब पुरजोर अगेन मजम्मत करूँगा कि इनके जो भी इनके मुलजिमान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें एक मिसाल बनाए। आपका नाम? इमरान। अच्छा इमरान, मुझे बताएं कि गुज़श्ता जो दिनों एक वाकया पेश आया, बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें अस्मा नामी खातून को उसके शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो इसमें देखें कि एक जो घरेलू तशद्दुद है उसको या तो ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती कि इस हद तक आती है बात, या फिर मर्द हज़रात मतलब क्यों ऐसा करते हैं? हालांकि इतने सख्त हमारे पास कवानीन होने के बावजूद भी इस तरह के इंसिडेंट देखने को सामने आते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में बेसिकली ये है कि जो हमारी तरबियत होती है ना, जो मतलब हमारे घर में जो हमारी तरबियत शुरू होती है, तो वहीं पे ही अगर बच्चा जब ग्रो करता है तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, तो हमारे मतलब सोसाइटी में उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो इसी तरफ फिर ये कि मतलब जो मेल डोमिनेंसी हमारा थोड़ा कल्चर है तो उस लिहाज से फिर वो मतलब ये चीज़ें जो है आती हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है इनिशियल एज में, तो उस टाइम पे ये चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को करनी चाहिए ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनको इन चीज़ों का मतलब पता हो कि फीमेल्स के राइट हैं या औरतों के जो राइट हैं या मेल टू मेल जो भी तशद्दुद होता है, तो उस चीज़ों पे मतलब उनको काम करना चाहिए। हमारे माशरे में मतलब तशद्दुद जो है या जो है टेम्परामेंट जो है ना लोगों का बहुत कम रह गया, मतलब बहुत लूज कर लेते हैं। अभी तो कुछ टाइम पहले ही हुआ कि ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा कानून जो है ना आए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी कानून आया कि कोई भी खातून अगर उस पर तशद्दुद किया जाता है घरेलू तशद्दुद तो वो फौरन रिपोर्ट करे। तो हमारे यहाँ मोस्टली ख़वातीन इसको रिपोर्ट नहीं करती कि घर की बात है, बदनामी होगी ये, तो अगर वो इसको इतना दबाएंगी तो फिर एट दी एंड यही होना है रिजल्ट। एक्चुअली हमारा जो कल्चर है ना तो वो इस तरह से बाउंड है कि हम मतलब कुछ कर नहीं सकते। अच्छा एक तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं या हमारे जो फैमिली रिलेशन्स होते हैं, मतलब जो मैरिजेज हैं, कज़न मैरिजेज या इस तरह की या वट्टा सट्टा ये सिस्टम है, तो इस वजह से ये है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब आप एक करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो है मतलब आपका और रिश्ते ख़राब होंगे। और फिर ये है कि अगर आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो आप ही को गलत, मतलब जो भी बंदा रिपोर्ट करता है ना सारी फैमिली उसी को ही कहती है इसने क्यों किया ऐसे, मतलब ये फैमिली में ही मसला सॉल्व किया जा सकता था, जबकि कोई सॉल्यूशन की तरफ जाता नहीं है। मगर अगर कोई उसी के अगेंस्ट जाए तो बाद में उसी के लिए कहते हैं कि नहीं हमें मतलब ये खुद ही बैठ के मसला सॉल्व करना चाहिए था। बाकी उसके लिए कोई जो रिपोर्टिंग सिस्टम हमारा, बाकी उसमें कम्युनिकेशन के बहुत गैप हैं, कोई प्रॉपर अप्रोप्रिएट मतलब उसकी जो रिपोर्टिंग है वो नहीं होती, इतनी सारी जो केसेस होते हैं। और हमारे यहाँ यही है कि ये इस चीज़ को इसीलिए ऐसे ही समझा जाता है कि ये हमारा अपना ही मतलब एक कल्चर ही ऐसा है, बस इसी तरह से चलने दें इसको। आपका नाम? जी शौकत, मेरा नाम है। शौकत साहब, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि जैसा कि हमारी सब आवाम जानती है कि गुज़िश्ता दिनों में जो लाहौर में होने वाला वाकया दरपेश आया है कि एक आसमा नामी खातून को शोहर की जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हमारे मुल्क में कि औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है? ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम एक मुस्लिम कंट्री है और इसके बावजूद हम इस चीज़ को समझते भी हैं, और वो शख्स खुद भी एक मुस्लिम ही है और उसने बहुत जुल्म किया है
اس کو بس اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ویسی سزا دے گا، لیکن حکومت پاکستان سے بھی یہی ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ایسے اقدامات سے روکا جا سکے۔ آپ کا نام؟ محمد شاہد۔ اچھا شاہد، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے جو لاہور میں ایک انسیڈنٹ آیا، آپ کو پتہ تو ہو گئی اسما پہ جو اس کے ہسبینڈ نے مطلب بہت ہی بری طرح اس پہ تشدد کیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو یہ بتائیں کہ اتنے سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات کیوں دیکھنے میں آتے ہیں؟ جی آپ کی بات صحیح ہے، بہت یہ ظلم ہوا، ہم نے بھی دیکھا ہے، تو باقی ایکشن لینا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ تو ایسے بہت واقعات ہیں جو پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو ویسے ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے ان کو، اور عمران خان سے بھی اپیل کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی ہے نا اس کام کو بہت جلد انجام دینا چاہیے۔ جو اس کا ہسبینڈ ہے اور جو اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ اس طرح کے واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ قوانین بھی اتنے سخت ہیں، جب سزائیں بھی دی جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعات کیوں دیکھنے میں آتے ہیں؟ جی قوانین تو سخت تو ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی مان نہیں رہے، ان پہ کچھ ٹائم لگے گا جو ہماری حکومت ابھی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم سب کو مل کے یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ جہاں بھی کچھ ایسا واقعہ ہو، کسی عورت کے ساتھ ہو، سب ہماری ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ کا نام؟ ناصر بھٹ۔ جی ناصر صاحب، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ایک لاہور میں ہونے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آسما نامی خاتون پر تشدد ہوا اس کے شوہر کی جانب سے، صرف اس بات پر کہ اس نے اس کو بولا کہ اس کے دوست احباب جو بھی ہیں ان کے سامنے وہ ناچ پیش کرے، ایسا کچھ کرے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ہم مذمت کریں گے اس واقعے کی؟ میں کہتا ہوں اس شخص کو جو ہے نا سر عام چوک پہ لٹکا کر اس کو کوڑے مارنے چاہیے، اور ایسے شخص کو دوبارہ اس کو آنے نہیں، جیل سے باہر آنے دینا چاہیے، اور اس کو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کسی عورت کے ساتھ بھی ایسا شخص کوئی ظلم نہ کر سکے۔ کیوں کہ ایسا ظلم کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے اور درندہ ہو سکتا ہے، اور ایسے درندوں کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ وہ زندگی میں ایسی غلطی نہ کرے، نہ کرنے کی ہمت ہو کسی شخص کو، تاکہ وہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں سب کچھ ہے، لیکن عورت کی عزت کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ شانزہ افتخار۔ اچھا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں فارماسسٹ بن رہی ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ گزشتہ دنوں جو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف کو بہت بری طرح جو ہے نا اس پہ تشدد کیا ہے، تو اس طرح کا جو ڈومیسٹک وائلنس آتا ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے یہاں تو قوانین بھی اتنے سخت ہو چکے ہیں، اب تو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ قوانین آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کیوں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن زیادہ آ گئی ہے، اگریسونیس زیادہ ہو گئی ہے، شاید رول سے ڈر گئے ہیں لوگ شاید۔ تو ویسے فرسٹریشن اتنی زیادہ آ گیا تو خواتین پہ کیوں، خود پہ کیوں نہیں نکالتے وہ؟ یہ دوسرا ہماری سوسائٹی کا براٹ اپ بھی ایسا ہے نا کہ لڑکوں کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ان کا زیادہ وہ نے ڈومیننٹ، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا بیسکلی، تو یہی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہی ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، لڑکوں کو مارنی پڑتی ہوتی، لڑکیاں ویک ہوتی ہیں، یہ والی براٹ اپ ہے، اس میں ہماری سوسائٹی چینج ہوگی تو یہ مسئلے بھی چینج ہو جائیں گے۔ شروع سے ایک آپ بچے ہی ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ لڑکی سے مار پڑ گئی تو وہ بہت مسئلہ ہو گیا، لڑکے سے ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح جیسے لڑکوں کو کہتے ہیں وہ لڑکی سے مار پڑ گئی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے، تو یہ باتیں کہ بچپن سے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اگریسو اور ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے پیرنٹس کا بھی بہت اس میں رول ہوتا ہے ان کو ایسے بنانا۔ یہ تو ہے، ہمارے یہاں جو فیمیلز ہوتی ہیں بچوں کو اسٹارٹ سے ہی ان کو پتا، لیکن میلس پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا جاتا کہ بیٹا ہے تو اس کو سب الاؤڈ ہے اس لیے، لیکن ابھی یہ جو کیس آیا اس میں ایون جو اسما کا جو ہسبینڈ تھا اس کو گرفتار بھی کر دیا گیا۔ قوانین اتنے سخت ہو گئے کہ ٹھیک ہے بچپن میں نہیں لیکن بڑے ہو کے ہوتا ہے کہ، اور سب سے بڑی بات جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین پہ جب گھر میں گھریلو تشدد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتی، اس کا کیا ریزن ہوتا ہے نا؟ ہماری سوسائٹی میں وومن اتنی زیادہ فریڈم نہیں ہے ان کے پاس کہ اگر کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے وہ اکیلی نہیں رہ سکتی ہماری سوسائٹی میں کہ جی ہم سیپریٹ ہو کے الگ سے رہیں گے یا الگ جاب کریں گے، اتنا آسان نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں رہنا، تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ کہاں رہیں گی الگ نہیں رہیں گی، تو اور پیرنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ گھر بٹھا لیں یہ ہو جائیں، تو کافی سارے ایشوز ہیں یہاں پہ، اتنی سیفٹی بھی نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ الگ سے رہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رہیں گے، جیسے باقی کنٹریز میں ہوتا ہے وہ الگ سے رہتی ہیں، اکیلی رہتی ہیں، یہاں نہیں ہو سکتا ایسے، تو ان کی مجبوری یہ بھی ہو جاتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے نا، تو وہ پھر مطلب فیملی کہتی ہے برداشت کر لو کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے شاید زیادہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ تو ویسے پھر یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں ڈومیسٹک وائلنس پھر کرنا چاہیے برداشت، اس کا سولوشن اس طرح اس حد تک آتا ہے پھر کہ ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا اسما والے کیس میں ہوا ہے؟
ये सारे जो आप कह रहे हैं रूल्स बन गए हैं भाई, वो भी अब बनना शुरू हुए हैं, पहले से तो नहीं थे ना? पहले तो कोई भी नहीं था, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो फिर कोई, जैसे इसने रिपोर्ट कर दिया अब एक केस निकल आता है, पहले होते तो बहुत सारे हैं, अब निकलना शुरू हुए हैं, अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगा होपफुली, यही कह सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। जब बुराई दिखाते हैं तो हम उसका वो नहीं दिखाते कि उनके साथ वापस रिजल्ट, अब जिस तक गिरफ्तार हो गया तो उसको सजा भी दिखानी चाहिए ताकि लोग इस चीज़ से डरें, सिर्फ बुराई दिखाने से कभी भी बुराई ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए जो है हमें अगर किसी को पकड़ा है तो उसका इंजाम भी दिखाएं कि इसको ये सजा दी गई है ताकि अगले उससे वापस इबरत उनको मिले। आपका नाम? जी मेरा नाम जाहिद खलील। आज़ाद भाई, जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जो गुज़िश्ता दिनों में लाहौर में होने वाला वाकया पेश आया है, आसमा नामी खातून जो कि तशद्दुद का शिकार हुई अपने शोहर की जानब से, तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि देखेंगे इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी ख़वातीन को ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो ऐसा क्यों है कि उनकी आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है? अभी तक ये वाक़यात हमारे देखने में आ रहे हैं और सुनने में आ रहे हैं। देखिए, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ग्रो तो कर रहे हैं, जिस तरह वुमेन राइट्स हैं, इमेंसिपेशन है, उसकी बात तो हो रही है ब्रॉडर लेवल पर, लेकिन आज भी जो है ना डोमेस्टिकली जो हस्बैंड जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर होता है अपनी वाइफ का, वही अगर मतलब फिज़िकल वायलेंस करेगा तो फिर मतलब कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन की है, और वुमन के राइट के ऊपर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चल रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो रही और जहाँ जहाँ मतलब उनको जो आवाज़ है उनको दबाया जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी हमें बहुत काम करना है, और हमारी जो औरत जो घरेलू औरत हैं उनको जो उनकी रिस्पेक्ट है वो नहीं दी जाती। हालांकि हमारा रिलीजन भी कहता है, हमारा जो रिलीजन है उसकी बेसिक्स हो रहे हैं और सोसाइटी में जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो हो रहे हैं, तो हमें ये करना है कि रिलीजन को भी बेसिक बना के तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और औरत को जो उसका ड्यू राइट मिलना चाहिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये तो हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, तो हम तो इसकी बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्कुल मजम्मत करते हैं, बींग मतलब हम एक सिविलाइज उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक राह पर गामजन है, तो ऐसा तो हमारी सोसाइटी, हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, और मेल मेम्बर्स हैं उनको खुद अपनी बहन बेटी बीवी जैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनको एक मुकाम देना चाहिए, उनको मुकाम देंगे तो नेशन बनेगी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है हमारे अपने मुल्क को और हमारे अपने घरों को बर्बाद करने का, ये बल्कि आप ये कह लें कि खुद ब खुद ही हम बीच में ये चीज़ें ऐड करते हैं कि हम खुद अपनी ज़िंदगी का जो सुकून अपने घरों का अपने ख़ानदान में खुद तबाह कर लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि अगर एक हस्बैंड ही करेगा तो आप देखें कि उसकी वजह से जो उसकी फैमिली पे इम्पेक्ट होंगे, जो उसके बच्चे होंगे दोनों के, उनमें भी आपस में प्रॉब्लम, फिर वो जो लाइफ गुजारने का लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं, तो लाइफ इम्बैलेंस, फिर उसके अलावा कभी वो अपने कोई लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, फिर दो फैमिलीज, खाली दो मेंबर्स नहीं डिस्टर्ब हो रहे, दो फैमिलीज, अब लड़के की जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब होगी, और लड़की तो वो तो इफेक्ट ही है, वो तो ऑब्वियसली होंगे, वो तो सोचते होंगे हमने ऐसे ऐसी जगह पर रिश्ता क्यों कर दिया कि जहाँ पर ऐसा कुछ होना था मतलब उसके साथ। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शोएब रियाज। अच्छा शोएब, मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता दिनों जो एक इंसिडेंट आया है देखने में, बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि अस्मा पे उसके हस्बैंड की तरफ से इतना बुरी तरह तशद्दुद किया गया है, तो इस तरह के इंसिडेंट क्यों देखने में सामने आते हैं, आपको क्या लगता है? हालांकि कवानीन हमारे यहाँ इतने सख्त अब मौजूद हैं, ख्वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के कवानीन हमारे पास हैं, उसके बावजूद इस तरह के इंसिडेंट देखने में सामने आते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को जो है ना अपनी लड़कियों पर, जो उनकी बेटी हैं जिनको ब्याही होती हैं, तो उन पे नज़र रखनी चाहिए, और हवन को भी चाहिए, शोर को भी चाहिए कि उनका ख्याल रखे। ये बहुत गलत चीज़ हुई है, जो एक चूँकि हम मुसलमान माशरे में रहते हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ है, बहुत कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में ख्वातीन खुद ही उजागर कर रही हैं कि मतलब ये जैसे आपको थोड़े दिन पहले वो ख्वातीन का मार्च हुआ था इस हवाले से, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह वो ये और वर्ग लाती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये देखें, इसमें यह है कि अभी ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो घर में होती हैं, तो हस्बैंड की तरफ से उनको मतलब एक थप्पड़ मार देना तो बहुत नॉर्मल समझा मतलब बात है, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास एक कानून पास किया गया है कि घरेलू तशद्दुद आप नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली ख़वातीन उसको रिपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि घर की इज्जत है बात कर, लेकिन फिर यही इंसिडेंट बाद में इतना उनका रिज़ल्ट इतना बुरी तरह सामने आता है, तो क्या फिर ख़वातीन को ऐसे ही चुप रहना चाहिए या जाके इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में इतने बड़े नुकसान से और इस तरह की चीज़ों से वो बच सकें? ये तो शोर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसने उस बंदे ने बहुत गलत की है, क्योंकि औरत उसकी चूँकि इज्जत होती है, इज्जत को उसको ज़्यादा कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसकी औरत उसकी जो
عزت کسی کے سامنے بات کرے, لیکن یہ اس نے غلط کی ہے, میں اس کو چیز کو بہت برا سمجھتا ہوں. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز تو اٹھائی جاتی ہے لیکن دبا دی جاتی ہے. آخر کیوں؟ وہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, وہ ہمارا بازو ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہے, ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات اسی صورت میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ جیسے اگر ہم بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں, اگر ویسے ہی ہم اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں تو اس طرح کے واقعات نہ دیکھنے میں آئیں. ہم اپنے بیٹوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ مرد روتے نہیں ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ مرد رلاتے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی, لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں. اللہ حافظ.